यस हेलो, सर, अब दिख रहे हैं ना? हाँ, देखिए, यस सर, सबसे पहले हमको क्या याद रखने का है, हर वाइवा ओसी के अंदर जितने भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो वो एक चीज पूछता है, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, आपके प्रैक्टिकल की लिस्ट क्या है, किसी प्रैक्टिकल का टाइटल बताइए एक का, उसमें कौन कौन से टूल्स या इक्विपमेंट्स लगेंगे और प्रोसीजर क्या है। सेम वे हमारे इसमें BT 106 के अंदर वो ये पूछेगा कि आपके वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के अंदर कितनी, मतलब जो है प्रैक्टिसेस आपको ध्यान में आती है, कितनी आपको कवर की गई थी, तो व्हाट वी विल टेल, फिटिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग, फाउंड्री एंड द ब्लैक स्मिथी, लोहार वाला कार्यक्रम, तो ये पांच नाम आपको बताने के हैं। अब जैसे किसी भी ये पांचों के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखने की है कि दो तीन चीजें याद रखने की हैं। सबसे पहली चीज कि उसमें प्रोसेसेस क्या होती है, हम उस पर्टिकुलर फिटिंग के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। दूसरा, उसके टूल्स के नाम बताइए। जब टूल्स के नाम बताते हैं तो पर्टिकुलर टूल जो है वो किस काम में आता है, ये हमको बताते आना चाहिए। और आपने इस शॉप में क्या किया, कोई मॉडल बनाया, कुछ बनाया, कोई चीज बनाई, वेल्डिंग में जोड़ा, क्योंकि अभी इस बार लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण ये प्रॉब्लम नहीं हो पाई, तो आपसे ये पूछ सकता है कि चलिए अच्छा बताइए आप कौन कौन से ज्वाइंट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीज पूछेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, देखिए इसमें के फिटिंग शॉप के अंदर टूल्स कौन कौन से होते हैं। क्लैंपिंग टूल्स, टाइट करने के लिए किसी को, पीस है, जॉब है, मॉडल है, कोई है ना आइटम है, उसको पकड़ के रखने के लिए मजबूती से, जब हम काम करें तो वो गिरे नहीं, ढीला ढाला नहीं, तो ऐसे मतलब टूल्स को, औजारों को हम क्या कहते हैं, क्लैंपिंग टूल्स। क्या कहते हैं? क्लैंपिंग टूल्स। जब हमें काम करने का है तो बिना मेजरमेंट के और मार्किंग लगाए हुए हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेजरिंग टूल एंड मार्किंग टूल। मार्किंग में स्क्राइबर हो सकता है, कोई पॉइंटेड जो कोई है, वायर हो सकता है ना, पंच हो सकता है, इसमें आगे आएगा। और मेजरिंग में स्केल से मेजर करेंगे, वर्नियर से मेजर करेंगे, माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे। कटिंग टूल, जब हमने मार्किंग कर ली तो जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमको काटने का है, कटिंग टूल हो जाएगा। स्ट्राइकिंग टूल, अगर हमें होल करने का है या आज हमने उसको पीस को यूज नहीं करने का है मार्किंग करने के बाद, तो हम उससे पंच लगा देते हैं, मार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और उसके साथ में हैमर। कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है। स्टूडेंट वेटिंग में है, वेरी गुड, देख लेते हैं बेटा हम। इसमें तो वेटिंग नहीं दिखा रहा बेटा, पूछो अपने फ्रेंड से, अभी वेटिंग नहीं, नहीं सर वो सब सर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, फिर से बोल रहे हैं लिंक डालने के लिए। 100 नंबर है ना, तो सर लिंक डालने के लिए बोल रहे हैं, मैं स्लाइड चला रहा हूँ तो बीच बीच में आप बताते रहिएगा और अटेंडेंस में बाद में लूंगा। तो ऐसे करके हैमर जो होता है वो स्ट्राइकिंग टूल में आएगा, ड्रिलिंग टूल ड्रिल करने वाला है, थ्रेडिंग टूल उसमें थ्रेड्स इनसाइड में या आउटसाइड के अंदर थ्रेड बनाने वाला, तो ये हो गया। अब हम आते हैं, तो ये पांच छह नाम अपने को पता होना चाहिए कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा देखिए आप, है ना, क्योंकि पहले एक बार आपको बता चुके हैं जल्दी जल्दी, एक ये बेंच वाइस है। क्या है ये बेंच वाइस है, तो बेंच वाइस चीज को पकड़े से टाइट करने के लिए इसमें यहाँ पर स्पेशल प्लेट लगी रहती है जिसपे सिलेशंस रहते हैं और हैंडल से हम टाइट करते हैं और मजबूती से उसको टाइट करके छोड़ देते हैं। तो ये बेंच वॉइस है, लेग वॉइस है ये वाला, ये हैंड वॉइस है, छोटे से बिल्कुल छोटे हैंड वॉइस में आ जाएगा ये वाला आपका। और ये पिन वॉइस, बहुत घड़ी के छोटे छोटे जैसे गियर रहते हैं, पिन रहती है,
तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो पिन वाइज के अंदर जो है हम उसको टाइट करते हैं।